हॉलीवुड के फेमस एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन के परिचय की बहुत कम लोगों को जरूरत है। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। लाइफ के एक मोड़ पर वे इतना टूट चुके थे कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। एक बार उन्हें पैसों की इतनी तंगी हो गई कि उनको अपना सबसे प्यारा डॉग महज $25 में बेचना पड़ा, क्योंकि खुद के भी खाने के और कुत्ते को खिलाने के पैसे नहीं थे। उस दिन इन्होंने रोते हुए अपने घर जाने का फैसला किया कि मैं घर पर बैठूंगा। 2 हफ्तों बाद सिल्वेस्टर ने मोहम्मद अली और चक वेपनर का बॉक्सिंग मैच देखा। मैच देखने के बाद उन्होंने बहुत जल्द स्क्रिप्ट लिखी और फिल्म का नाम रॉकी रखा। एक मशहूर डायरेक्टर उनकी स्टोरी पढ़कर इतना खुश हुए कि उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए $125,000 देने का ऑफर किया। हालांकि इतना पैसा उस एक्टर की जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर को कहा कि वो स्क्रिप्ट नहीं बेचेंगे अगर उन्हें भी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिले तो, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भी दे सकता हूं लेकिन मुझे एक्टर बनाइए। डायरेक्टर ने मना कर दिया। बिना बेचे वहां से वो चले गए। कुछ दिनों बाद उसी डायरेक्टर ने सिल्वेस्टर को स्क्रिप्ट के लिए $2.5 लाख की पेशकश की। एक्टर ने मना कर दिया, स्क्रिप्ट नहीं बेचेंगे। जब उन्हें फिल्म में एक्टर का रोल दिया जाएगा तब ही वो स्क्रिप्ट देंगे। फाइनली डायरेक्टर मान गए और उन्होंने स्क्रिप्ट के $35,000 दिए और उन्होंने बतौर एक्टर उसे रोल दे दिया। रॉकी फिल्म इतनी हिट हुई कि इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। जब यह फिल्म हिट हुई तब सिल्वेस्टर की उम्र 30 साल थी। कहने का अर्थ क्या है, सीख क्या मिलती है? अगर आपको अपने काम पर विश्वास है, खुद पर अगर विश्वास कर लिया तो दुनिया आज नहीं तो कल आपका लोहा जरूर मानेगी, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद सेकंड आप लोगों के चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। इसमें दशमी का श्राद्ध है। आज पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी। आज दोपहर को 4:24 तक आर्द्रा और फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेंगे। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग और सुनफा योग का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रूचक योग का लाभ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग और भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज भी चांडाल दोष रहेंगे और आज भी राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा, क्योंकि आज चंद्रमा राहु के साथ मिथुन राशि में पूरे दिन रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में हैं तो उसे नोट करिए। दोपहर को 12:00 याद रखिएगा, इन समय का आप करोगे क्या ये पहले जान लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई भी प्रकार का निर्णय आपको लेना है तो इस समय विशेष में कर सकते हैं। ये दोपहर को 12:15 से 1:30 तक जो कि अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर को 2:30 से 3:30 भी एक शुभ मुहूर्त है जो लाभ और अमृत का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा कि सुबह 9:00 से 10:30 तक राहुकाल रहेगा और आज दोपहर को 4:17 से पाताल लोक की बदरा रहेगी। प्रिय साथियों, जब आप 6 राशि देख लेंगे तो काम में ना चाहते हुए भी जो डिस्टर्बेंस आता है उसके लिए क्या उपाय किया जाए वो मैं बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि कैसे पितरों को ग्रास मिलता है और पितृ दोष किस वजह से होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कार्यक्रम के अंत में। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज साहस, करेज, एंथुजियाज्म, जोश और जुनून आपका हाई रहेगा। व्यापार में कुछ लाभ हासिल करेंगे और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आज ना भी हो लेकिन आने वाले दिनों में व्यापार में आपकी मदद करेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में भावनात्मक लगाव होगा, एक दूसरे की बातों पर विश्वास करिए। वर्क प्लेस पर याद रखिएगा, जो आप जहां पर काम करते हैं उसमें लगन, निष्ठा और अपने काम पर पूरा फोकस करके अंजाम दे पाएंगे। जॉब के मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आप हल्के से चिंतित हो सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आज का दिन बहुत खुशनुमा बनेगा। आपको अपनी माँ और छोटे बच्चों की सेहत पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताना चाहिए। पूरा परिवार आप पर आश्रित हो भी और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको परिवार के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के बेहतर भविष्य के लिए आज का दिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए वीकेंड को एंजॉय करने के लिए प्लान किया जा सकता है। कुछ लोगों की
मांसपेशियों में दर्द या यूं कहें कि चढ़ते उतरते लोअर बैक में तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिएगा। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, धन को कहां निवेश करना है, बचे हुए धन को सेव करना है या इन्वेस्टमेंट करना है और वापस नया पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर आप विचार मंथन और चिंतन करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका या डील मिल जाए। वर्क प्लेस पर आपके चैलेंजेस और जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, उसे निभाइए। नौकरी में धन लाभ की सूचना आपकी बहुत बड़ी टेंशन को हल कर सकती है। मस्त, व्यस्त और प्रसन्न के साथ साथ आपको बहुत सारी प्रेरणाएं भी देगा आज का दिन। बिजनेस में मेहनत कर सकेंगे और स्मार्ट बिजनेस भी कर सकेंगे। आप कुछ पेशेवर मुद्दों में हल्की सी चिंता करेंगे, भविष्य में क्या होगा इस बारे में चिंता आज जरूर करें, लेकिन चिंतन में तब्दील कर दें उसे तो ज्यादा बेटर है। धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअलिटी, दान पुण्य, इस प्रकार के कर्म में आप रुचि जरूर लेंगे। कुछ धन आपका खर्च होगा, हो सकता है कहीं से पैसा बोरो भी करना पड़ जाए। आप अपने भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन बेहतरीन है, वीकेंड को एंजॉय करने की प्लानिंग की जा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये दिन सामान्य से थोड़ा बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। बच्चों से खुशी मिलना, संतान के आज्ञाकारी होने की खुशी आपको बहुत खुश कर देगी। लकी कलर येलो, नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, चंद्रमा आज आपके IQ और EQ लेवल में यानी बौद्धिक विकास कर रहे हैं। बुद्धि तो सबके पास होती है, आज बुद्धि से लाभ लेने वाले हैं। नौकरी में अच्छा काम कर सकेंगे जिससे आपके बॉस खुश होंगे और हो सकता है कि आज आपको आधे दिन ही काम करना पड़े काम के परफेक्शन की वजह से और बाकी आधा दिन आप अपने परिवार को समर्पित करते हैं। व्यवसाय में कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर आपको खुश कर देगी। दिन अच्छा है, इसे बहुत अच्छा परफेक्शन और डेडलाइन तय करते हुए काम की और टाइम मैनेज करते हुए बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की आदत डाल दीजिए जिससे आपको खुशी भी मिलेगी और आने वाले दिनों में अच्छा काम भी मिलेगा। घर परिवार को समय दीजिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करिए। संतान सुख और संतान से सुख पूरा मिलेगा। परिवार के लोगों में प्रेम देखने को मिलेगा और ये आपकी काबिलियत है कि आज आप स्पेशल काम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जितना हो सके अपनी कमजोरियों को पहचान के उसे दूर करने का आज प्रयास करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी और की वजह से या जुबान की वजह से तल्खी आ सकती है, रिश्तों में ध्यान रखिए। ससुराल और ननिहाल पक्ष से आपको लाभ मिलने जा रहा है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आकर्षण और वो भी आपके फैशन, पैशन, हॉबी की वजह से डेवलप हो सकता है। सेहत आपकी ठीक ठाक है, कोई भी एडवेंचर नहीं करें। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 2 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, अनसुलझे हुए मामलों को सुलझाने के लिए किसी की मध्यस्थता, किसी के सहयोग और मदद की वजह से काम पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में कार्यों में मन पूरा नहीं लगेगा। आपका उग्र स्वभाव, अड़ियल रवैया, अहंकारी रवैया, चिड़चिड़ापन या यूं कहें कि जुबान में जो खराबी आने की वजह से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और बनी बनाई बाजी को बिगाड़ देंगे। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधि, जो भी रूटीन हम काम करते हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको तड़का लगाना पड़ेगा परफेक्शन का। जॉब और हमारे कर्म क्षेत्र में कोई प्रोवोक करेगा लड़ाई झगड़े के लिए, किसी से झड़प हो सकती है, चलते फिरते ही किसी से बहसबाजी हो सकती है, इसलिए हर समय सावधानी रखें। मन चाहे तरीके से अपना काम न कर पाने के कारण आप हल्के या फुलके नाराज हो सकते हैं। नाराज होने से बचना चाहिए, अपनी कमी को पहचानिए और दूसरों को माफ करिए। गलत तरीके से फायदा पाने से बचें और ठीक रहेगा कि आप ईमानदारी से पैसा कमाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को मानसिक तनाव अधिक रहेगा। भौतिक सुख में यानी मटेरियलिस्टिक जिंदगी में आप इतने उलझ जाएंगे कि आपको हार्डवर्क और संघर्ष करना नहीं आएगा। बेटर है कि आप थोड़ा सा हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप सामान्य नहीं रहेगा, उसे बनाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, चंद्रमा आज आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज आपके मन और मस्तिष्क में ला रहे हैं, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए आज बेहतर लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिले इसके लिए साइलेंट मोड में रहते हुए अपना काम पूरा करें। अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे लोग सिर्फ चिंता कर सकते हैं, ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा। करियर के मुद्दे में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है, ख्याल रखें।
वर्क प्लेस पर आपको अपने ज्ञान, विवेक, कौशल, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज, काम करने के तरीके से पीठ पीछे भी तारीफ मिल सकती है। हो सकता है आज आप नौकरी बदलने की दिशा में कोई काम करें, उसके बारे में अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही समय, तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। महिलाओं को पुरुष और पुरुष को महिलाओं के साथ काम करने में आज बहुत आनंद आएगा और लाभ जरूर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों को आपका सहयोग बहुत खुशनुमा वातावरण बनाने में मदद करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक शानदार दिन है। मार लो बाजी, आपको जैसा जीवन चाहिए वैसे जीवन की शुरुआत आज हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत शानदार रहेंगे और सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करके आप सुखी प्रेमी जीवन बना पाएंगे और संतुष्ट भी हो जाएंगे। लकी कलर ग्रीन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, चंद्रमा आज आपको पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। उनके आशीर्वाद के कारण आज आपको कोई बड़ा काम भी हल हो सकता है और हो सकता है कि आपको मानसिक सुकून भी मिल जाए। कारोबार में कुछ अच्छे लाभ होने की पूरी संभावना है, इसलिए आज स्पेशल अटेंशन दीजिए। जॉब में कुछ बाधा जरूर आ सकती है, वो आपके सबॉर्डिनेट की वजह से, किसी और की वजह से आ सकती है, इसमें आपको थोड़ा फोकस करके ध्यान रखे आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने साथी के प्रति प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर दिन लाभदायक है और आप अपने पेंडिंग वर्क्स को पूरा करने का प्लान बना सकते हैं। आप स्वच्छता का ख्याल रखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, दान पुण्य पूजा पाठ करने का मन करेगा जरूर करिए। दैनिक गतिविधियों में लगे रहेंगे और अपने कर्म खुद कर पाएंगे, इसी से ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज ध्यान, फिटनेस, मेंटल हो या फिजिकल, उस पर ज्यादा देंगे ध्यान और उसी से ही आपको संतुष्टि मिलेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ साथ एक दूसरे के जोड़े को, एक दूसरे की जोड़ी को और मजबूत बनाने के लिए नो एंट्री थर्ड पर्सन की। आपकी सेहत आज ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किया जा सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, पितरों के आशीर्वाद से उनके शादी के बंधन में बंधने, अच्छा मैच मिल पाने, आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। लकी कलर पर्पल, नंबर 1 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद आइए बात करते हैं। काम में अगर अनावश्यक विलंब होता है, हर काम 3 दिन में जो होना चाहिए वो 13 दिन में भी पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद में कमी है। इसके लिए कार्यों में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए आपको आज प्रातःकाल सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अपने पितरों की तस्वीर पर लाल पुष्प की माला अर्पित करें, चंदन का तिलक और धूप करें, अपने इष्ट देवता, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर उसके बाद दूध से बना हुआ भोग अर्पित करें। उसके बाद गाय को हरे चारे में आटे की एक लोई, तिल और जौ भरकर खिलाएं। शाम की आरती के पश्चात चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हो सके तो बहते जल में प्रवाहित कर दें, नहीं तो मंदिर में रखें। अपने कार्यों को पूर्ण होने की पूर्वजों और अपने गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रार्थना करें, मजा आ जाएगा। तुला राशि, धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअलिटी, दान पुण्य, मदद करना, इसमें मन लगेगा और ऐसा किसी भी प्रकार से छोटे से छोटा काम भी करके आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है। सैलरीड पर्सन को कोई शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। ऑनलाइन काम करने में कुछ अच्छे लाभ होने की संभावना है। व्यापार में सफलता मिलेगी। आपको साइलेंट रहकर अपने काम पर फोकस करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट सीखिए, गुर सीखिए, बेचना सीखिए। आपके पेंडिंग काम पूरे करने के लिए जो नई स्ट्रेटेजी अपना रखे हैं वो आज काम आएगी। नौकरी में हर इंसान को कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आप अपनी सूझबूझ से उससे पार पा जाएंगे। वर्क प्लेस पर काम में मन लगेगा और स्टूडेंट के लिए यह एक औसत दिन रहेगा। पेट में गड़बड़ी के कारण खिलाड़ियों को आज तकलीफ आ सकती है, इसलिए ध्यान से खाना खाएं, समय पर भोजन करने की कोशिश करें। आपके और आपके भाई बहन और परिवार के बीच में कोऑर्डिनेशन मजबूत करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होगा और वो करके आप लाभ कमाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में और प्रोफेशनल क्षेत्र में बेहतर बैलेंस करके प्रतिष्ठा पाएंगे और समाज और परिवार में इज्जत बढ़ेगी। लकी कलर पिंक, नंबर 5 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज यात्राएं हो सकती है, छोटी लंबी दूरी की, फिजिकल ना भी हो तो वर्चुअल यात्राओं का दौर शुरू हो सकता है। बिजनेस में आपके लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव दोनों लेकर आएगा। आप चढ़ाव पर ध्यान ज्यादा दीजिए, उतार पर
विश्वास मत करिए, सिर्फ उसी को फॉलो करें। नौकरी में किसी से किसी बात को लेकर मन मुटाव, मन भेद और मतभेद। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का जिन चीजों से वास्ता नहीं है उन टेलीविजन पर दिखाई गई न्यूज के आधार पर ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करते। गॉसिप कब बतंगड़ में तब्दील हो जाए पता ही नहीं चलता है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, उलझने, सुलझने की पूरी संभावना है। शारीरिक और मानसिक रूप से भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने मन को बेचैन बिल्कुल ना होने दें। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें, अच्छी कहानियां पढ़ें, अच्छी किताबें देखें, आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में समस्याएं सबको आती है, आपको भी आज आ सकती है। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में अनैतिक कार्यों के प्रति आप आकर्षित होंगे। कुछ ऐसी चीजें जो समाज और कानून के विरोधी है वहां अट्रैक्शन बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ध्यान नहीं लगा पाएंगे और शाम को खुद मलाल में रहेंगे कि काश मैं ध्यान दे देता। जीवन साथी और लव लाइफ में प्यार, इश्क और मोहब्बत के साथ साथ सद्भावना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी सेहत किसी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से बिगड़ सकती है, सावधानी आपको खुद रखनी पड़ेगी। लकी कलर गोल्डन नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनुराशि, शादीशुदा है तो पति पत्नी, नहीं है तो लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो फ्रेंडशिप को बेहतर करने का आज नुस्खे और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे आपके शरीर में जो हैप्पीनेस के हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और आपको मजा आ जाएगा। नौकरी के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। दिन समझदारी से बिताएं, सूझबूझ से बिताएं। वर्क प्लेस पर आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार मजबूत होगा। बिजनेस में आपको सराहना जरूर मिलेगी। कुछ अच्छे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट में आकर हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहे हैं। मुंह का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है, इसलिए मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्टूडेंट के लिए उपलब्धियों भरा दिन है तो खिलाड़ियों के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस का दिन है। आपका पारिवारिक जीवन और लव लाइफ उत्तम रहेगी, लेकिन घर के किसी मुद्दे पर बहस बतंगड़ का रूप ले लेगी और स्पेशली खर्चों को लेकर रिश्ते में तल्खी आ सकती है। आप अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी और लव पार्टनर को लेकर चिंता छोड़कर चिंतन करिए। व्यर्थ की बातचीत और मूर्खों की सभा में जाकर लीडर बन के भाषण देने का कोई काम नहीं करें। लकी कलर ग्रे नंबर 2 शुभ रहेंगे। मकर राशि, मानसिक तनाव और किसी प्रकार का अज्ञात भय, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की नौबत आज आ सकती है। आप इस पर ज्यादा फोकस करें और ध्यान रखें। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ नीरसता का अनुभव करना पड़ेगा। वर्क प्लेस के मोर्चे पर हालात सामान्य रहेंगे। दिन बहुत शानदार है। बिजनेस इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने वाली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पैसा कमाने के लिए कोई अच्छा ऑफर आपको मिल जाए। सोच विचार करके आगे बढ़े, इसी से ही आपका आने वाले दिनों में मन खुश हो जाएगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में खुशी और प्रेम भरे पल याद आएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत शानदार रहेगी। निकट आने के लिए कुछ स्पेशल प्रयास आज आपके रंग लेकर आएंगे। परिवार से जुड़े हुए किसी मुद्दे और किसी सिलसिले में जो आपने निर्णय लिया था, जो सैक्रिफाइस किया था, उसमें आपकी इमेज बेहतर होगी। भौतिक सुखों में रुचि लीजिए, लेकिन पैसा खर्च करके नए सुख मत लाइए। लकी कलर ब्राउन नंबर 1 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, चंद्रमा आज आपके इर्द गिर्द आकस्मिक धन लाभ, रुका हुआ काम पूरा होना, रुके हुए पैसे के प्राप्त होने से लाभ मिलेगा। बिजनेस में सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। आपके परिवार के सदस्यों के साथ समय बहुत शानदार बीतेगा। हो सकता है वीकेंड को एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर निकल लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नौकरी में अपने वरिष्ठ लोगों के साथ, सबॉर्डिनेट और ऑफिसर, मंत्री, बॉस के साथ एक बेहतरीन समझ और सामंजस्य, बेहतर बॉन्डिंग बनेगी। वर्क प्लेस पर आपको शांति और विनम्रता से बात करना आना चाहिए। घर में जो भौतिक सुख है, मटेरियलिस्टिक चीजें जिसे आप पैसे देकर खरीद लेते हैं, उनका पूरा आनंद लेने का योग बनेगा। परिवार का माहौल स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बहुत खुशी लेकर आएगा। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्रोध, आवेश, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग आपके रिश्तों में तल्खी ला सकते हैं। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद के साथ रोमांच और रोमांटिक अनुभव करने के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। गलत समय पर गलत भोजन करने की आदत चेंज कर दीजिए, वरना आज स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लकी कलर नेवी ब्लू नंबर 3 शुभ रहेंगे। मीन राशि, आज आपको सेहत का ख्याल रखना है।
घर के बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, स्पेशली स्त्री और वो भी माँ। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे हासिल होंगे। नौकरी में खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिजनेस में दिन कुछ खास नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम न करके पेंडिंग काम को पूरा करें। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भावना रखनी चाहिए। संघर्ष की हल्की सी संभावना है, इसलिए समझदारी से दिन गुजारिए। स्पिरिचुअलिटी, दान पुण्य धर्म कर्म, इसमें झुकाव बढ़ेगा और बन लगेगा। कोई स्वास्थ्य विकार जिसको है, यानी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आके आप डिस्टर्ब होने वाले बचिए। संतान और बड़े बुजुर्गों के कार्यों को आपको करना होगा, आप ये नहीं सोचें कि आपके काम कोई और करेंगे। मन लगाकर पढ़ने, मन लगाकर खेलने और मन लगाकर खुश रहकर हर काम को करने में आज आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। हर मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है। लकी कलर ग्रीन नंबर 4 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि कैसे मिलता है पितरों को ग्रास और क्यों होता है पितृदोष। आप निश्चित ही ये जानना चाहते हैं कि देवताओं के लिए जो हव्य और कव्य दिया जाता है, पितरों के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, ये दोनों देवताओं तथा पितरों को कैसे मिलते हैं, इस पर कई बार हमने प्रश्न पूछे होंगे। इसकी जानकारी यमराज से अधिक तो किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों उनके ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यम स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि पिता यानी मंत्रवेत्ता ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न के जितने कौर अपने पेट में डालते हैं, उन कौरों को श्राद्धकर्ता का पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि किस प्रकार से इसका पता लगाया जाए। देखिए, अगर आप कोई मिठाई श्राद्ध के समय अपने पितरों के लिए रखते हैं और पूर्ण श्रद्धा और सही क्रिया से जब पूर्ण करते हैं तो लेबोरेटरी में उसकी मिठास को चेक करा लीजिए, कम हो जाएगी। अब पितृदोष, जिन माता पिता बड़े बुजुर्गों ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, लाड़ प्यार किया, हमारी हर तकलीफों को हंसते हंसते सह गए, क्या वो हमें जाने के बाद श्राप दे देंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे? जीते जी उन्होंने हमें खुशियां दी और मरने के बाद क्या वो बद्दुआ देते हैं? गलत है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पितृदोष बनता है। हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए ऐसे आशीर्वाद से हमने आज सब कुछ पाया है। आप सोचिए, आप जिस घर में रहते हैं, जिस गाड़ी में घूमते हैं, जिस प्रॉपर्टी का एंजॉय करें, जिस बिजनेस दुकान का एंजॉय करें, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे पितरों का, तो क्या वो ऊपर जाकर आपको दुखी करना शुरू कर देंगे? नहीं। जब आप दुखी होंगे तो सामने वाला सुखी कैसे हो सकता है? ऐसा आपने सुना होगा कि जब हम खुश होंगे तभी हम किसी को खुशी दे सकते हैं, जब हम दुखी होंगे तो किसी को सुख कैसे दे सकते हैं? वो दुखी कैसे होते हैं पितर? जब आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य रोजाना की जिंदगी शुरू होती है और आप उनको अगर स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं तो वो खुश होते हैं। वो खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जब आप उन्हें याद ही नहीं करते हैं तो वो दुखी होंगे। जब वो दुखी होंगे तो आपको आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? बद्दुआ तो बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन जब आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की आत्मा ही सही ढंग से आपके लिए काम नहीं करेगी, आत्मा को ठेस पहुंचेगी, तो आपको तकलीफ आएगी। और ऐसे में दादा दादी हो, माता पिता कोई भी हो, उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके लिए पुण्य कर्म, पूजा पाठ और छोड़ी गई संपत्ति, यश कीर्ति का आप पूरा उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो हजारों लाखों लोग तो बेच देते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक, हर शादी के बाहर आपने देखा होगा शहनाई बजाते हुए, बनारस राह करते थे, इतना नाम कमाया और उनके बच्चे पोते कुछ कर नहीं पाए, मकान बेच रहे हैं उनका। तो अब ऐसी स्थिति में आप भी हो सकता है उनका उपयोग कर रहे हैं। तो यश कीर्ति पाने के लिए पाप कर्मों को दूर करके उनकी छोड़ी गई दौलत के साथ कारोबार, हानि, लाभ सब कुछ पाते हैं। इसके अलावा किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु अगर हो गई है तो वो पितृदोष बन जाता है। मृत्यु के बाद विधि विधान से किया गया कर्म, श्राद्ध कर्म, आपको बहुत पुण्य देता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके हाथों से जीव जंतु प्राणी की भ्रूण हत्या हो जाती है, तो ये सब भी पितृदोष बना देते हैं। तो इनका निवारण करना बहुत जरूरी, इसके लिए सबसे बढ़िया है दान पुण्य करते रहना। प्रिय साथियों, आज का मेरा एक सवाल है कि श्राद्ध कर्म के समय अनामिका अंगुली में ही कुशा क्यों रखी जाती है? आप इस पर रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब आपको कार्यक्रम के अंत में कल दूंगा। आप सबका आज का दिन शानदार गुजरे, वीकेंड शानदार गुजरे, सैटरडे को शनिदेव का आशीर्वाद मिले, हर मनोकामना पूर्ण हो, पितरों का आशीर्वाद मिले, इस उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत
आशीर्वाद।